उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन द्वारा मशहूर कवि भानु भक्त जी का 207वीं जन्म जयंती मनाया गया। 13 जुलाई 1844 को जन्मे भानु भक्त आचार्य नेपाल के कवि थे, जिन्होंने ग्रंथ रामायण को संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया। और भी बहुत सारे कविता साहित्य श्री भानु भक्त आचार्य जी ने नेपाल समाज को दिया। डुवर्स के मैथिली ब्लॉक अंतर्गत नागेश्वरी चाय बगान में उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन द्वारा मशहूर कवि भानु भक्त जी का 207वीं जन्म जयंती मनाया गया। इस मौके पर इन्हें याद कर प्रेम पूर्वक श्रद्धांजलि दिया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय लोग में मास्क और चॉकलेट वितरण किया गया। इस पुण्य काम में मौजूद थे उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के प्रेसिडेंट रिचियन खड़िया, केसियर जयदीप महली, समाज सेवी राम कुमार राय, अर्जुन राय, रजा काली, बुधराज उराव एवं स्थानीय लोग। आज के विषय लिएर तपाईँहरूको कार्यक्रम भयो? आज हामीले नागेश्वरी चिया बगानमा आज जुन महाकवि भानुभक्त आचार्यजीको जुन जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यहाँ उहाँको जन्मदिवस समारोह आज छोटोभरि मनाएको हो। भानुभक्त कहाँको कवि हुनुहुन्थ्यो? नेपालको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म तपाईँको अङ्ग्रेजी तिथिको अनुसारले 13 जुलाई 1814 परिन्छ, र हाम्रो नेपाली अनि हिन्दी तिथिको अनुसारले उहाँको जन्म तपाईँको 29 असार 1871 परिन्छ। उहाँ चाहिँ पश्चिम नेपालको निवासी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा उहाँले रामायणलाई अनुवाद गर्नुभएको हो र उहाँको जुन रचिया त रामायण छ सम्पूर्ण देशभरि नै छरिएको छ र असल रूपमा उहाँ धेरै नै हाम्रो नेपाली भाषालाई लिएर हाम्रो संस्कृतिलाई लिएर उहाँले हाम्रो भाषालाई अगाडि बढाइदिनु भयो र साथै उहाँलाई नेपालमा रामचरित्र मानस भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ। अन्त हजुरको परिचय? म अर्जुन राई, मेटली चिया बगान निवासी। धन्यवाद। नमस्ते। आज का क्या कार्यक्रम होता है? आज 13 जुलाई 2021 को नेपाली समाज में एक महान कवि कवि भानुभक्त आचार्य जी का जन्मदिवस था, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन की ओर से नागेश्वरी टी गार्डन में एक कार्यक्रम किए थे हम लोग यहाँ से। इसमें उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के बहुत सारे मेंबर्स सदस्य जुड़े थे और भी बहुत सारे सामाजिक सेवक भी इसमें जुड़े थे। आपका परिचय? मैडम क्रिश्चन खड़िया, उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन का अध्यक्ष। आपके साथ साथ और कौन कौन जुड़े हुए थे आज का इस समारोह में? आज का समारोह में उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के सेंट्रल कमेटी का सदस्य कैशियर जयदीप तिर्की, बुधराज ओराम और भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, दीप ओराम और भी बहुत सारे लोग जुड़े थे। आज इस प्रोग्राम में आप लोग क्या क्या किए? आज हम लोगों ने प्रथमतः श्री भानुभक्त जी को आरती अर्पण करते हुए, उसके बाद में खादा अर्पण करते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग किए। उसके बाद में साथ ही हम लोगों ने जितने भी बच्चे आज यहाँ पे उपस्थित थे उनको मास्क वितरण किए और साथ ही चॉकलेट भी वितरण किए। धन्यवाद।